तो चलिएगा, एंडोक्रीन ऑर्गन्स के बारे में, एंडोक्रीन ग्लैंड्स के बारे में हमने पहले देखा था जब एनिमल टिश्यू को डिक्टेट किया था। हमने कहा था कि ऐसे पर्टिकुलर आपके पास ग्लैंड जो आपके पास डक्टलेस होते हैं और दे आर डायरेक्टली पोरिंग देयर सिक्रेशन इनटू द ब्लड और द लिम्फ आर स्पेसिफिकली बीइंग टर्म्ड एज द एंडोक्रीन ग्लैंड। ऐसे पर्टिकुलर ग्लैंड जो आपके पास सिक्रेशन जो है वो डायरेक्टली बिना किसी डक्ट के थ्रू ब्लड या लिम्फ के अंदर पोर करते हैं, ऐसे ग्लैंड्स को हम एंडोक्रीन ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए ये कोई ग्लैंड है, ठीक है, तो ग्लैंड में पर्टिकुलर जो सेल होंगे ना वही तो ऐसा काम करने वाले हैं। ऐसा तो होने नहीं वाला है कि एग्जैक्टली पूरा का पूरा ग्लैंड ही पूरा फंक्शन कर रहा हो। मीन बाय ये जो सेलुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं ग्लैंड के इनसाइड में, यही आपके पास में हार्मोन को बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। अब हार्मोन क्या है, बेसिकली इस सेल की जो सिक्रेशन है उस सिक्रेशन को हम हार्मोन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, द केमिकल सिक्रेशंस दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द एंडोक्रीन ग्लैंड्स आर स्पेसिफिकली बीइंग टर्म्ड एज द हार्मोन्स और द केमिकल मैसेंजर्स। अब उनको केमिकल मैसेंजर क्यों बोला, क्योंकि जो पर्टिकुलर आपके पास केमिकल सिक्रेशन है वो एक तरह सा का पर्टिकुलर मैसेज जो है एक पर्टिकुलर ऑर्गन तक लेकर जाती है कि वो ऑर्गन उस समय किस तरह से फंक्शन करना चाहिए। तो ऐसे पर्टिकुलर हम सिस्टम को एग्जैक्टली में एंडोक्रीन सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो एंडोक्रीन आपके पास में सिस्टम है उसको हम एक ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं मेडिसिन की, जिसको हम एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। तो एंडोक्राइनोलॉजी में आपके पास में एंडोक्रीन सिस्टम या एंडोक्रीन ग्लैंड्स को हम पढ़ते हैं कि वो किस तरह से फंक्शन करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होती है, किस किस पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर वो पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को कॉज करते हैं, हाइपो या हाइपर सिक्रेशन अगर पर्टिकुलर हार्मोन की हो जाए तो वो क्या क्या इफेक्ट उस ऑर्गन के ऊपर डाल सकते हैं या डिफरेंट ऑर्गन पर डाल सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन पूछी जाती है कि फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी है कौन, तो आंसर मिला जी थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन इज द फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। क्लियर हो गया जी। उसके बाद आपके पास जो नर्वस सिस्टम है और एंडोक्रीन सिस्टम है, ये इंटीग्रेटिव सिस्टम है आपकी बॉडी का, हायर वर्टिब्रेट में एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेशन कर ही एग्जैक्टली में वर्किंग होती है। ये भी चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद आपके पास नर्वस सिस्टम और एंडोक्रीन सिस्टम में थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। जब हम नर्वस कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ते हैं, नर्वस सिस्टम में पढ़ते हैं, तो हम ये कहते हैं कि इंफॉर्मेशन जो है वो पास होती है एज एन इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस अलोंग द नर्व फाइबर। हमने पढ़ा था ना, एक्सॉन में कंडक्शन होती है जब हम एनिमल टिश्यू पढ़ रहे थे। तो आपके पास इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस जो है वो आपके नर्व फाइबर में इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह आपके पास लेकर जा रही है। लेकिन एंडोक्रीन सिस्टम या केमिकल कोऑर्डिनेशन में इंफॉर्मेशन पास हो रही है एज अ केमिकल सब्सटेंस थ्रू द ब्लड और द लिम्फ। आपके पास ब्लड और लिम्फ के थ्रू वो केमिकल सब्सटेंस जो आपके पास एंडोक्रीन ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस होती है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कर जाती है। लेकिन नर्वस कोऑर्डिनेशन में ऐसा नहीं होता है, वहां पर जब तक आपके पास न्यूरॉन होगी तब तक तो इलेक्ट्रिक इंपल्स एक प्लेस टू एक दूसरे प्लेस तक जाएगी, लेकिन वहां पर हम केमिकल सब्सटेंस के बारे में कोई बात नहीं कहेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, नर्वस कोऑर्डिनेशन में आपके पास में रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन है। याद है मैंने कहा था दो तरह के न्यूरॉन होती हैं, एक आपके माइलिनेटेड और एक नॉन माइलिनेटेड, और मैंने एक वर्ड यूज किया था जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होती हैं उसमें मैक्सिमम कंडक्शन स्पीड होती है, दैट इज 120 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास नर्वस कोऑर्डिनेशन में फास्टेस्ट ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन है, जबकि आपके पास एंडोक्रीन सिस्टम में स्लोअर ट्रांसमिशन स्पीड होती है। इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने की जो टेंडेंसी आपके पास हार्मोन की होती है वो बहुत स्लोअर होती है। क्लियर। अब देखो, क्योंकि फास्टेस्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन आपके पास नर्वस सिस्टम में है, इसीलिए इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गन सडनली रिस्पॉन्स करेगा, तो रिस्पॉन्स बहुत तेजी से आता है, ऑर्गन जल्दी फंक्शन करता है। लेकिन हार्मोन आपके पास में क्योंकि ब्लड और लिम्फ के थ्रू मूव कर जाती है, इसीलिए किसी भी ऑर्गन की फंक्शनैलिटी स्लोअर रेट पर होती है। क्लियर। उसके बाद में नर्वस सिस्टम में जैसा आप पर्टिकुलर रिस्पांस चाहते हो, जिस पर्टिकुलर जगह पर चाहते हो, वहीं पर एग्जैक्टली में रिस्पांस प्रोड्यूस होती है। लेकिन एंडोक्रीन सिस्टम में आपके पास जो रिस्पांस होगा वो वाइड स्प्रेड होगा। अब इससे मतलब क्या समझे, मान लीजिए ये कोई ऑर्गन है, आप चाह रहे हो कि पर्टिकुलर इस ऑर्गन का यही वाला सेल एग्जैक्टली में क्या हो, आपके पास में
अफेक्ट हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपके पास, क्योंकि ये केमिकल है तो हो सकता है कि आपके पास साइड के जो सेल्स होंगे वो भी अफेक्ट हो जाए, तो इसको कहेंगे वाइड स्प्रेड रिस्पॉन्स है। और दूसरी फंडामेंटल क्या है, मान लीजिए जिस पर्टिकुलर साइट पर आपके पास हार्मोन प्रोड्यूस हुआ, मान लीजिए इस पर्टिकुलर साइट पर हार्मोन प्रोड्यूस हुआ, यहां पर आपके पास डिफरेंट ऑर्गन है, डिफरेंट ऑर्गन का डिफरेंट जगह का आपके पास डिस्टेंस अलग अलग है, तो ये आपके पास हार्मोन हो सकता है इस पर्टिकुलर ऑर्गन को भी इफेक्ट करता हो, इसको भी अफेक्ट करता हो, इसको भी अफेक्ट करता हो, लेकिन आपके पास जब नर्वस सिस्टम की बात कहेंगे तो न्यूरॉन जो है वो एक ही पर्टिकुलर ऑर्गन को एक समय पर टारगेट करती हैं, लेकिन हार्मोन डिफरेंट ऑर्गन को एक ही समय पर आपके पास टारगेट कर सकता है, इसलिए रिस्पॉन्स कैसा लिखा गया है, वाइड स्प्रेड होता है, ये भी क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नर्वस कोऑर्डिनेशन में जो आपके पास निवर नर्व इंपल्स होती है वो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में आपके पास में रिस्पांस तो जनरेट करती है, लेकिन वो ज्यादा लंबे समय तक आपके पास रिस्पांस जनरेट कर नहीं दे सकती है, वो शॉर्ट लिव्ड होती है, लेकिन वहीं पर आपके पास में जो केमिकल कोऑर्डिनेशन या एंडोक्रीन सिस्टम में जो रिस्पॉन्स होती है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, क्योंकि आपके पास हॉर्मोन को धीरे धीरे कर फंक्शन करना है, क्योंकि हमने यहां पर पहले लिखा हुआ है कि रिस्पॉन्स जो आती है usually slower rate पर होती है, mean by consumption of that particular hormone in your body जो है बहुत ही ज़्यादा slower rate पर होने वाली है, तो ये भी चीज़ आपने ध्यान रखनी है। clear हो गई जी यहाँ तक चीज़ें? चलेगा। उसके बाद हार्मोन जो टर्म थी वो आपके पास स्टर्लिंग नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें क्वाइन कर दी थी, और इन हार्मोन को हम प्राइमरी मैसेंजर या केमिकल मैसेंजर कहते हैं, ये मैंने अभी डिक्टेट कर दिया। देयर आर सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस दैट आर रिलीज्ड बाय द एंडोक्रीन ग्लैंड्स व्हिच इज हैविंग द इंफॉर्मेशन In order to have the functionality of other organs, कि other organ किस तरह से function करेंगे, वो particular chemical secretion जो आपके पास endocrine gland के द्वारा produce की जाएगी, वो dictating होगी कि आपके organ को किस तरह से function करना चाहिए। बेलिस और स्टार्लिंग ने 1902 में आपको फर्स्ट हार्मोन की डिस्कवरी कर दी थी जिसका नाम सिक्रेटिन था। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों आपको चीजें याद होनी चाहिए। हार्मोन टर्म स्टार्लिंग ने कॉइन की थी, लेकिन बेलिस और स्टार्लिंग ने 1902 में आपके पास सिक्रेटिन हार्मोन को डिस्कवर कर दिया था। क्लियर हो गया जी? अब चलें जी, जरा ध्यान दीजिए क्या लिखा है, सोर्स एंड केमिकल नेचर कैसा है, ठीक है। तो देखिएगा, हार्मोन आर केमिकल मैसेंजर विच आर सिक्रेटेड बाय वन पार्ट ऑफ द बॉडी एंड आर पोर्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड रीच देयर टारगेट प्लेस विद द हेल्प ऑफ द ब्लड और द लिम्फ। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हार्मोन अफेक्ट्स सम स्पेसिफिक सेल और फिजियोलॉजी ऑफ सेल्स ऑफ ऑर्गन अकॉर्डिंग टू एटमोस्फेरिक कंडीशंस। अब इसको समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए ये पर्टिकुलर आपके पास में एंडोक्रीन ग्लैंड है जो आपके पास में एक हार्मोन रिलीज करती है, वो ब्लड में चली जाती है, और मान लीजिए कि ये वो ऑर्गन है जिसको उसने पर्टिकुलर अफेक्ट करना है। देखो, जिस पर्टिकुलर ऑर्गन को ये अफेक्ट करने वाला है हार्मोन, इस पर्टिकुलर ऑर्गन को हम कहेंगे इट इज अ टारगेट ऑर्गन, क्योंकि हार्मोन किसको टारगेट करने वाला है, इस ऑर्गन को। मान लीजिए ये दूसरा ऑर्गन है, हो सकता है इसको टारगेट ना किया, तो ये उसका कोई टारगेट है ही नहीं, इसको कोई फंक्शनैलिटी उसने करवानी ही नहीं है। इस पर्टिकुलर ऑर्गन जिसके ऊपर हार्मोन का अफेक्ट आने वाला है, इसको हम कहेंगे टारगेट ऑर्गन है। अब इसकी खासियत देखिएगा, टारगेट ऑर्गन में आपके पास डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होंगे, ठीक है, एक ही तरह के सेल हों ये जरूरी तो नहीं है, लेकिन मान लीजिए अगर एक तरह के भी सेल हैं तो भी एक पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी है कि मान लीजिए हार्मोन इस पर्टिकुलर आपके पास सेल को अफेक्ट करता है, इस वाले सेल को भी अफेक्ट कर लेता है, लेकिन इन वाले सेल को अफेक्ट नहीं कर पा रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि सारे के सारे सेल को ये अफेक्ट कर ले। मान लो ऐसे पर्टिकुलर सेल जिनकी अभी डेथ होने वाली है, एपोप्टोसिस हो रही है, तो क्या ऐसे पर्टिकुलर सेल्स को कभी आपका हार्मोन टारगेट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उन पर्टिकुलर सेल्स की एजिंग हो रही है। इसका मतलब ये हुआ, जो आपके पास पर्टिकुलरली ऐसे सेल होंगे जो डिफरेंशिएशन के फंडामेंटल अभी फॉलो कर सकते हैं, उन्हीं पर्टिकुलर सेल्स को आपका हार्मोन अफेक्ट करेगा या केमिकल मैसेंजर अफेक्ट करेगा। इससे ये समझे कि आपके हार्मोन को टारगेट ऑर्गन के इनसाइड में भी एक टारगेट सेल को ही पर्टिकुलर अफेक्ट करना है। अब क्यों? क्योंकि टारगेट सेल के पास में ही वही पर्टिकुलर रिसेप्टर पड़े हुए हैं जो एग्जैक्टली हार्मोन के साथ में लॉक एंड की मैकेनिज्म शो कर सकते हैं। ध्यान दीजिए फिर से, मैंने क्या चीज कही है,
टारगेट ऑर्गन एक अलग चीज है। मान लीजिए मैं ये कहूं कि आपके पास पर्टिकुलर ग्रोथ हार्मोन है, वो आपके लीवर को एग्जैक्टली में वो उसका टारगेट ऑर्गन है, लेकिन लीवर के इनसाइड में हिपेटोसाइट पड़े हुए, सभी के सभी हिपेटोसाइट को वो टारगेट नहीं करेगा, वही पर्टिकुलर हिपेटोसाइट को टारगेट किया जाएगा जिनके पास एग्जैक्टली में उस हार्मोन के रिसेप्टर्स पड़े होंगे, अदरवाइज एग्जैक्टली में वो हार्मोन आपके उस पर्टिकुलर सेल्स को अफेक्ट नहीं कर सकता है अगर उनके पास रिसेप्टर्स नहीं है। ये चीज आपने पर्टिकुलर ध्यान रखनी है कि टारगेट ऑर्गन टारगेट सेल दोनों में डिफरेंस है। टारगेट ऑर्गन पर हम बात नहीं करते हैं कि रिसेप्टर होने चाहिए, हम बात कर रहे हैं टारगेट सेल के सरफेस पर रिसेप्टर होना जरूरी है ताकि आपके पास पर्टिकुलर हार्मोन एक्ट कर सके। क्लियर हो गई जी? अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान क्या देना है, ये जो पर्टिकुलर केमिकल सिक्रीशन है ये अगर माइन्यूट क्वांटिटी में भी होगी तो भी एग्जैक्टली में उस टारगेट सेल के ऊपर उतना ही इफेक्ट पड़ेगा जितना एग्जैक्टली लार्जर क्वांटिटी में इफेक्ट पड़ने वाला होता है। तो ध्यान दीजिएगा, हार्मोन आपके पास जो होते हैं वो हमेशा माइन्यूट क्वांटिटी में रिलीज होते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा क्वांटिटी में उनको रिलीज करेगी बॉडी तो हाइपर सिक्रीशन की वजह से ही एग्जैक्टली में कहीं ना कहीं ऑर्गन की फंक्शनैलिटी में प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि आपके पास टारगेट ऑर्गन के ऊपर ज्यादा मात्रा में हार्मोन होगा जिसको एग्जैक्टली में सेल को इंटेक करने में परेशानी होने वाली है, और वहां पर उस हार्मोन का एक सस्टेन्ड एक्शन लंबे समय तक एक्शन आने वाली है जो हमारी जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पर्टिकुलर फंडामेंटल याद होने चाहिए, क्योंकि हमने ये कहा हार्मोन का जो रिस्पांस होता है, अभी भी देख लें फिर से, हार्मोन का जो रिस्पांस होती है वो स्लोअर रेट पर आती है और रिस्पांस वाइड स्प्रेड होती है और रिस्पांस लॉन्ग लास्टिंग होती है, इसीलिए हार्मोन की क्वांटिटी हमें ज्यादा मात्रा में रिलीज होती हुई नहीं दिखनी चाहिए एंडोक्रीन ग्लैंड से, अदरवाइज प्रॉब्लम आ जाएगी ऑर्गन की फंक्शनैलिटी के ऊपर। सेकेंड फंडामेंटल ये है, देखो हम ये पढ़ते हैं जो हार्मोन है वो एज एन केमिकल मैसेंजर बिहेव कर रहे हैं। अब वो केमिकल मैसेंजर बिहेव कर रहे हैं इसका मतलब ये हुआ, अब जरा ध्यान दीजिएगा, उनके पास में एक सर्टेन पर्टिकुलर मैसेज है, वो मैसेज आपके पास वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रेवल कर जा रही है केमिकल की फॉर्म में। अब ध्यान दीजिए, अगर वो केमिकल इस सेल के सरफेस के ऊपर रिलीज हो चाहे सेल के इनसाइड में रिलीज हो, होगा क्या एग्जैक्टली में? अगर इंफॉर्मेशन है तो उसकी इंटरप्रिटेशन होगी, इंटरप्रिटेशन होगी तो एग्जैक्टली में कौन करने वाला है वो इंटरप्रिटेशन? आपके सेल का डीएनए, तो डीएनए के अंदर वही सेंट्रल डोगमा की प्रोसेस एग्जैक्टली में फॉलो होगी अगर हार्मोन को एक्शन करना है, तभी तो सेल की आपके पास वायबिलिटी आएगी, तभी तो सेल डिफरेंशिएशन शो कर सकता है, अदरवाइज तो डिफरेंशिएशन शो करने से रहा। इसका मतलब ये हुआ आपका हार्मोन जब भी टारगेट सेल को अफेक्ट करता है तो उस समय सेंट्रल डोगमा की प्रोसेस फॉलो होती है, सेल डीएनए की रेप्लिकेशन होगी, उसके बाद आपके पास ट्रांसक्रिप्शन होगी, दैट इज आपके पास फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए भी होगी, और उसके बाद आपके पास ट्रांसलेशन भी होगी, प्रोटीन की फॉर्मेशन भी होगी। अगर ऐसा नहीं होता है इसका मतलब ये है कि आपके ऑर्गन की फंक्शनैलिटी या उसकी पर्टिकुलर वर्किंग जो है वो लॉस हो चुकी है, या वहां पर सेल जो है उनकी एपोप्टोटिक डेथ हो रही है, लगातार डेथ हो रही है, इसीलिए वो हार्मोन जरूरत से ज्यादा आपके पास फंक्शन नहीं करवा पा रहा है जितना वो करवाना चाहता है, इवन वो भी नहीं करवा पाता है क्योंकि सेल के पास में वो रिसेप्टर ही अवेलेबल नहीं है जो एग्जैक्टली में उस हार्मोन को इंटेक कर सके। ये भी चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। अब एक और चीज जो ध्यान होनी चाहिए, हार्मोन के द्वारा जितने भी एक्शंस प्रोड्यूस होंगे, जितने भी रिस्पॉन्सेस प्रोड्यूस होते हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये आपके पास रिवर्सिबल नहीं है। अगर एक बार हार्मोन ने एक ऑर्गन को जिस तरह से अफेक्ट करना है अगर वो अफेक्ट करना शुरू कर गया तो वो पर्टिकुलर एक्शन कभी आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं, आपकी बॉडी में वो काबिलियत नहीं है कि उसको रिवर्स किया जा सके। इसलिए हार्मोन के एक्शन मेनली इररिवर्सिबल होते हैं। मीन बाय ज्यादा क्वांटिटी में सिक्रीट होगा तो हार्मोन जरूरत से ज्यादा, आपका पर्टिकुलर ऑर्गन या ग्लैंड जो है वो पर्टिकुलर मात्रा में ज्यादा काम करने वाले हैं, अगर वो हार्मोन कम मात्रा में सिक्रीट होकर सेल के सरफेस पर जाएगा तो इसका मतलब ऑर्गन की कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी होगी फंक्शंस की। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो यहां पर भी वही सारी चीजें लिखी हैं, लेकिन अब यहां पर हम जो चीज पढ़ रहे हैं वो है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल रिएक्शन किस तरह से होती है। देखो तो हमारे पास पर्टिकुलरली दो तरह के हार्मोन नेचर में अवेलेबल है। एक होते हैं आपके पास वाटर सॉल्युबल हार्मोन, इनको प्रोटीनियस हार्मोन कहते हैं। दूसरे होते हैं आपके पास लिपिड सॉल्युबल हार्मोन, इनको हम स्टीरॉइड हार्मोन कहते हैं। ध्यान दीजिए, स्टीरॉइड हार्मोन की खासियत यह है कि उनके इनसाइड में कोलेस्ट्रॉल की रिंग होती है, इसीलिए तो आपके पास में लिपिड हुआ ना, कोलेस्ट्रॉल क्या है, लिपिड है।
तो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन को हम स्टीरोइड हार्मोन कहते हैं और वाटर सॉल्युबल हार्मोन को हम बेसिकली आपके पास प्रोटीनियस हार्मोन कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों हार्मोन किस तरह से एक्ट करते हैं और किस तरह से फंक्शनैलिटी करवाते हैं किसी ऑर्गन की, वो दोनों में डिफरेंस है। ध्यान दीजिए अब क्या डिफरेंस है। अब एक चीज पहले ध्यान दें, जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन होंगे आपके सेल के ऊपर पड़े हुए जो रिसेप्टर होंगे उन पर्टिकुलर रिसेप्टर के साथ में जुड़ेंगे, लेकिन जो आपके पास में लिपिड सॉल्युबल आपके पास हार्मोन होंगे, ये स्टीरॉइड हार्मोन होंगे, वो आपके सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होते हुए साइटोप्लाज्म ऑफ दिस पर्टिकुलर सेल के इनसाइड में उसके रिसेप्टर पाए जाते हैं, तब वो पर्टिकुलर इफेक्ट करता है। अब दोनों में डिफरेंस हो गया, डिफरेंस क्या हुआ, वाटर सॉल्युबल हार्मोन जो है वो सरफेस सेल के सरफेस पर पड़े हुए रिसेप्टर के साथ में आपके पास में क्या करेंगे, लॉक एंड की हाइपोथेसिस शो करेंगे, लेकिन आपके पास स्टीरॉइड हार्मोन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिफ्यूज होते हुए आपके पास में कहां पहुंच जाते हैं, साइटोप्लाज्म में। इसीलिए लिपिड सॉल्युबल हार्मोन या स्टीरॉइड हार्मोन के जो रिसेप्टर पाए जाते हैं वो साइटोप्लाज्म के इनसाइड पाए जाते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत बार इसके बारे में आपको हर एक पेपर के अंदर पूछा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, प्रोटीनियस हार्मोन के रिसेप्टर सेल के सरफेस पर होते हैं और लिपिड सॉल्युबल हार्मोन या स्टीरॉइड हार्मोन के आपके पास रिसेप्टर साइटोप्लाज्म के इनसाइड होते हैं। इतनी बात समझ आ गई यहां पर तो मेरे को पब्लिक चैट में बता दें एक बार। अब ये देखिएगा जरा, आपके पास में ये प्रोटीनियस हार्मोन की वर्किंग को दिखाया हुआ है, ये सारा का सारा क्या है, प्रोटीनियस हार्मोन की वर्किंग को दिखा रहे हैं। अब जरा ध्यान दीजिए क्या चीज कहता है, बोलता है जो प्रोटीनियस हार्मोन का एक्शन होता है या रिस्पांस प्रोड्यूस करने की जो उसकी रेट होती है वो आपके पास लिपिड हार्मोन से हमेशा ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है, जरा ध्यान देने की कोशिश कर लिए। ये आपके पास में प्रोटीनियस हार्मोन है, ये आपके पास में सेल का सरफेस है, तो आपके पास सेल के सरफेस पर आपके पास में रिसेप्टर पड़ा हुआ है इस हार्मोन के लिए, ये हार्मोन आया इन रिसेप्टर के साथ में जुड़ गया, लेकिन जो प्रोटीनियस हार्मोन है वो सेल के अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली। अब ये भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सफाइस करने के लिए आपके पास यहां पर क्या चीज हो रही है उसको चीज जरा ध्यान पर ध्यान दीजिएगा। हुआ क्या, आपके पास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड में एक प्रोटीन लगी हुई है जिसका नाम है जी प्रोटीन। जैसे ही आपके पास में प्रोटीनियस हार्मोन सेल रिसेप्टर के साथ में बाइंड करेगा, जी प्रोटीन एक्टिव हो जाएगी और जी प्रोटीन एक्टिव होने के साथ में एडिनाइल साइक्लेज नाम का एक एंजाइम है इसको एक्टिवेट करवाती है, जिसका काम है एटीपी से साइक्लिक एएमपी की फॉर्मेशन करना। साइक्लिक एएमपी एग्जैक्टली में वही वाला फंक्शन करने वाला है जो एग्जैक्टली में ये प्रोटीनियस हार्मोन करना चाहता था। फिर से देखिएगा वर्डिंग पर ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास में वो वाला हार्मोन है जो एग्जैक्टली में प्रोटीनियस नेचर का है। ये हार्मोन सेल के इनसाइड में एंटर कर नहीं सकता है, लेकिन सेल के सरफेस के ऊपर पड़े हुए रिसेप्टर के साथ में बाइंड करेगा, जी प्रोटीन की एक्टिवेशन होगी जो आपके पास में एडिनाइल साइक्लेज नाम के एंजाइम को एक्टिवेट करवाएगी, जो एटीपी को कन्वर्ट करवाएगा साइक्लिक एएमपी के अंदर, एंड साइक्लिक एएमपी सेम टू सेम वही फंक्शनैलिटी करेगा जो एग्जैक्टली में आपके पास में जो प्रोटीनियस हार्मोन सेल के बाहर पड़ा हुआ था, जो सेल के अंदर इनसाइड नहीं कर सकता था और आपके पास रिसेप्टर्स के साथ में बाइंड कर गया था। तो देखो, इसका मतलब यह हुआ इस पर्टिकुलर साइक्लिक एएमपी के पास भी वही टेंडेंसी है जो इस हार्मोन के पास में है। तो जो आपके पास हार्मोन प्रोटीनियस सेल के अंदर एंटर नहीं कर सका उसको फर्स्ट मैसेंजर कहते हैं, जो आपके पास में एडिनाइल साइक्लेज की एक्टिविटी के थ्रू आपके पास में सेकंड साइक्लिक एएमपी प्रोड्यूस हुई है इसको सेकंड मैसेंजर कहते हैं। फर्स्ट और सेकंड मैसेंजर में एग्जैक्टली में सिर्फ ये चीज है कि इन दोनों की जो फंक्शन करने की टेंडेंसी होगी वो सिमिलर होगी, कोई चेंजेस नहीं होंगे एग्जैक्टली में। अब इस चीज को ऐसे समझ लें, देखिए
रिले रेस तो देखे होंगे, तो रिले रेस में क्या होता है, 100 मीटर कोई व्यक्ति दूसरा दौड़ता है, दूसरी बार 100 मीटर कोई और दौड़ता है, सेम फंडामेंटल यही है कि रेस कंप्लीट करनी है, फंक्शनैलिटी यहां पर कंप्लीट करनी है। प्रोटीनियस हार्मोन एंटर नहीं कर सकता है, कोई बात नहीं, उसकी जगह पर फंक्शन करने के लिए सिमिलर फंडामेंटल जो फॉलो करेगी वो साइक्लिक एएमपी होगी। तो साइक्लिक एएमपी इज द सेकंड मैसेंजर एंड प्रोटीनियस हार्मोन शुड ऑलवेज बी अ फर्स्ट मैसेंजर। मैसेज तो एग्जैक्टली में प्रोटीनियस हार्मोन के पास ही है ना कि क्या करवाना है, तो वही पर्टिकुलर हार्मोन सेल के अंदर एंटर नहीं कर सकता है, तो मदद किसकी लेता है, सेकंड मैसेंजर की, कि जो मैं फंक्शनैलिटी कराना चाहता हूं आप वही वाली फंक्शनैलिटी एग्जैक्टली में करिए सेल के इनसाइड में जाकर। तो क्लियर हो गए जी। इसी तरह से सेकंड मैसेंजर आपके पास जरूरी नहीं है कि साइक्लिक एएमपी होती है, इसके अलावा आपके पास इनोसिटॉल फॉस्फेट 3 आती है, वो भी एग्जैक्टली में सेकंड मैसेंजर बिहेव करती है। कैल्शियम जो आपके पास आयंस होते हैं वो भी सेकंड मैसेंजर बिहेव करते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन जो सेकेंडरी मैसेंजर आपके पास अवेलेबल है या सेकंड मैसेंजर अवेलेबल है वो साइक्लिक एएमपी है। और इस साइक्लिक एएमपी की फॉर्मेशन होने के बाद में काइनेसिस नाम की जो एंजाइम्स होती हैं आपके पास सेल के इनसाइड में वो एक्टिवेट होती हैं और ये पर्टिकुलर सर्टेन कास्केड रिएक्शंस प्रोड्यूस करती हैं जो आपके पास सर्टेन एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। जैसे आपके पास में इट कैन ऑल्टर द एक्टिविटीज ऑफ मेटाबॉलिक एंजाइम, ऑल्टर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, कॉज कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन, स्टिमुलेट प्रोटीन सिंथेसिस एंड लाइपोलिसिस एंड ऑल्टर सिक्रीशन रेट। ये सारा का सारा काम आपके पास में साइक्लिक एएमपी करवा सकती है जब वो पर्टिकुलरली काइनेसिस नाम के एंजाइम्स को एक्टिवेट कराएगी। तो ये चीज पक्का से ध्यान रखिए, कभी कभार क्वेश्चन पूछ ली जाती है कि प्रोटीनियस हार्मोन और स्टीरॉइड हार्मोन में फास्टर एक्शन रेट किसका होती है, तो प्रोटीनियस हार्मोन का फास्टर एक्शन है। क्यों फास्टर एक्शन है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि रिले रेस में एक व्यक्ति जब थक जाएगा तो आपके पास में 100 मीटर दूसरा व्यक्ति दौड़ेगा, फिर अगली रेस जो है वो 100 मीटर कोई और दौड़ेगा, इसी तरह से 400 मीटर की रेस कंप्लीट की जाती है। तो सेम आपके पास फंडामेंटल यहां भी है कि हार्मोन सेल के इनसाइड में एंटर तो नहीं कर सकता है लेकिन दूसरे की मदद लेगा, तो एग्जैक्टली में फास्टर रेट ऑफ एक्शन होने वाली। लेकिन वहीं पर मान लीजिए आपके पास में लिपिड सॉल्युबल हार्मोन हो, तो मान लीजिए लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है, तो इस पर्टिकुलर हार्मोन को यहां तक जाने का, न्यूक्लियस तक जाने का रास्ता अकेले ही ट्रेवल करना है, किसी की मदद नहीं ले सकता है, तो थकान ज्यादा होगी ना, रास्ता लंबा ट्रेवल करना है तो थकान ज्यादा होगी, एनर्जी उसके पास बहुत कम है, इसीलिए आपके पास में लिपिड सॉल्युबल हार्मोन जो होते हैं वो पर्टिकुलर आपके पास एग्जैक्टली में स्लोअर रेट ऑफ एक्शन करते हैं। ये भी चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। देखिए अब सेकंड पार्ट में यहीं से एक और चीज के बारे में क्वेश्चन पूछी जाती है। देखो प्रोटीनियस हार्मोन जो होते हैं वो हमारी बॉडी में ज्यादातर स्टोर नहीं होते हैं। प्रोटीनियस जो हार्मोन होंगे वो हमारी बॉडी में ज्यादातर स्टोर नहीं होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में मैंने पहले ही बताया था जो आपके एडिपोज टिश्यूज होते हैं वो एडिपोज टिश्यू आपके पास फैट लेटेंट टिश्यूज होते हैं। अब सोचिए अगर लिपिड हार्मोन की क्वांटिटी आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा सिक्रीट होना शुरू हो जाए तो उसकी स्टोरेज होना शुरू हो जाएगी आपकी बॉडी के इनसाइड में, और जैसे ही पर्टिकुलर हार्मोन की स्टोरेज होना शुरू होगी इट कैन कॉज द म्यूटेशन ऑफ दिस ऑफ द पर्टिकुलर सेल्स जहां पर उस हार्मोन की क्वांटिटी ज्यादा हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा ये भी एग्जैक्टली में क्वेश्चन पूछी जाती है कि म्यूटेशन या आपके पास में किसी जीन की ऑल्टरेशन करने की टेंडेंसी आपके पास स्टीरॉइड हार्मोन में बहुत ज्यादा होती है क्योंकि वो बॉडी के अंदर अकुमुलेट हो सकते हैं, लेकिन प्रोटीनियस हार्मोन की टेंडेंसी म्यूटेशन करवाने की बहुत कम होती है क्योंकि एग्जैक्टली में वो आपकी बॉडी के अंदर या सेल के अंदर उतनी क्वांटिटी में स्टोर नहीं होते हैं, ना तो वो डीएनए को उतने पर्टिकुलर रेट के साथ में उसमें म्यूटेशन कॉज करा सकते हैं जितना एग्जैक्टली में आपके पास स्टीरॉइड हार्मोन कराते हैं। अब यहां से एक क्वेश्चन और जरा सा, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अगर आपने विटामिंस पढ़े हो तो विटामिन के अंदर आपके पास में लिपिड सॉल्युबल विटामिन आते हैं जिसमें विटामिन ए और डी के बारे में पढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा विटामिन ए एंड डी कैन आल्सो बिहेव एज एन हार्मोन। क्यों हमें पता लगा कि वो हार्मोन बिहेव कर सकता है, क्योंकि विटामिन ए और विटामिन डी के इनसाइड में कोलेस्ट्रॉल की रिंग होती है एंड विटामिन ए एंड डी कैन स्टोर इन द बॉडी, कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडी एंड इट कैन कॉज आल्सो द म्यूटेशन। तो ध्यान दीजिएगा पर्टिकुलरली विटामिन ए एंड विटामिन डी कैन आल्सो बिहेव एज स्टीरॉइड हार्मोन। ध्यान दीजिएगा ये बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है, तो भूलिएगा मत। इसका मतलब ये हुआ कि अगर विटामिन ए और विटामिन डी को जरूरत से ज्यादा अगर आप कंज्यूम करेंगे तो भी एग्जैक्टली में म्यूटेशन होने के चांसेस होते हैं, जो भी एक प्रॉब्लमेटिक थिंग है। क्लियर हो गया जी यहां तक चलेंगे। तो सबसे पहले हम जिस ग्लैंड को डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका पीनियल ग्लॉडी और आपके पास में पीनियल ग्लैंड के बारे में। तो देखिएगा पीनियल जो आपके पास बॉडी है, पहली चीज देखिएगा पोजीशन।
इट इज बेसिकली सिचुएटेड एट द डॉर्सल साइड ऑफ द डायनसेफेलॉन ऑफ द एंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट इज प्रोसेंसेफेलॉन. इट इज ऑल्सो नोन एज एपिफाइसिस सेरिबराई. ध्यान कीजिए वर्ड क्या लिखा हुआ है. पीनियल ग्लैंड को या पीनियल बॉडी को एपिफाइसिस सेरिबराई कहते हैं और ये पर्टिकुलरली डायनसेफेलॉन का पार्ट है. एपिथैलेमस के अंदर आपके पास में एक शॉर्ट लॉब्स पड़ी होती हैं जिनको हम पर्टिकुलर पीनियल बॉडीज कहते हैं और इन पीनियल बॉडी की आपके पास जो ओरिजिन है वो एक्टोडर्मल होती है. इस पीनियल बॉडी के अंदर जो सेल पाए जाते हैं उनको हम पिनेलोसाइट्स कहते हैं और ये पिनेलोसाइट जो होते हैं बेसिकली आपके पास में सिक्रीशंस देते हैं जो एग्जैक्टली में हॉर्मोन्स हैं. वर्ड पे ध्यान दीजिएगा मैंने क्या क्या चीज कही है. पीनियल बॉडी के अंदर पिनेलोसाइट्स होते हैं. पिनेलोसाइट आपके पास में मॉडिफिकेशन है नर्व सेल्स की और यही पर्टिकुलर पिनेलोसाइट जो होते हैं वो आपके पास में सिक्रीशन देते हैं और उन सिक्रीशंस को हम बेसिकली हार्मोन कहते हैं. ये चीज हम पहले भी बता चुके हैं. क्लियर हो गई. अब देखो पीनियल बॉडी को बहुत कॉमनली थर्ड आई कहा जाता है. भगवान शिवा का तीसरा नेत्र क्या है जी, दैट इज पीनियल बॉडी. आपकी पर्टिकुलर बॉडी के अंदर भी ये पीनियल ग्लैंड है, इसका मतलब थर्ड आई आपके पास भी है. लेकिन क्या वो थर्ड आई आपकी फंक्शनैलिटी में है या नहीं है वो पर्टिकुलर डिक्टेट करती है कि आपकी बॉडी के अंदर किस तरह से एक्शन होंगे या नहीं होंगे. अब ध्यान दीजिएगा क्या बोलते हैं. पीनियल बॉडी बेसिकली सिक्रेटिंग टू हार्मोन, वन इज अ मेलाटोनिन एंड सेकंड इज अ सेरोटोनिन. ठीक है जी, एक मेलाटोनिन है एक सेरोटोनिन है. अब जो पर्टिकुलर आपके पास में सेरोटोनिन है उसकी फंक्शनैलिटी हम पहले भी डिक्टेट कर चुके हैं. तो सेरोटोनिन बेसिकली आपके पास वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर था, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवा रहा था. जो आपके पास मेलाटोनिन होती है ये मेलाटोनिन आपकी स्किन की पिगमेंटेशन को कंट्रोल करती है. अब ध्यान दीजिएगा क्या बोलता है. दिस पर्टिकुलर जो मेलाटोनिन है ये आपके मैमल जो होते हैं उनके सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करती है. जिस दौरान में मेलाटोनिन की सिक्रीशन हो रही होती है उस दौरान में आपके पास में सेक्सुअल एक्साइटमेंट कंट्रोल होती है. अब ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है. बोलता है लाइट जो होती है वो आपके पास मेलाटोनिन की सिक्रीशन को आपके पास में इनहिबिट करती है और जो डार्कनेस होती है वो आपके पास मेलाटोनिन की सिक्रीशन को बढ़ाती है. अब इसका मतलब यह हुआ कि रात के समय में मेलाटोनिन की मात्रा ज्यादा सिक्रीट होती है और उस दौरान में आपके पास पर्टिकुलरली एंटी गोनेडोट्रॉफिक इफेक्ट आता है. ध्यान दीजिएगा मैं वर्डिंग्स क्या क्या कह रहा हूं. वर्ड क्या लिखा, जब जब मेलाटोनिन की क्वांटिटी ज्यादा सिक्रीट होगी तो उस दौरान में एंटी गोनेडोट्रॉफिक इफेक्ट आता है. मीन बाय आपके जो प्राइमरी गोनेडल ऑर्गन होते हैं जिनसे आपके पास में एक्साइटमेंट वाले हॉर्मोन प्रोड्यूस होते हैं वो प्रोड्यूस नहीं होंगे क्योंकि एग्जैक्टली में मेलाटोनिन is an antagonistic hormone to the particularly gonadal organs. इसके अलावा जो आपके पास में melanocyte stimulating hormone जो आपके पास pituitary से produce होती है वो भी particular आपके पास में उसके against भी antagonistic function करती है यही melatonin. इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास fairness of the skin तभी आएगी जब exactly में melatonin की production होगी और वो basically आपके पास melanocyte stimulating hormone जो आपके पास कहां से produce हो रही है pituitary से उसके opposite role कर देगा. तो ध्यान दीजिएगा ये भी कभी कभार आपसे question पूछा जाता है. इसके अलावा एक और चीज ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है. This gland probably control the sexual behavior according to light differentiation. Does it act as a biological clock? देखो biological clock हमने कल भी एक terminology पढ़ी थी जब हमने hypothalamus को relate कर पढ़ रहे थे तो हमने कहा था 24 IR की cycle के अंदर आप कौन सी चीजें किस किस समय में करेंगे वो सारी की सारी detection जो है वो आपकी internal biological clock के through होती है. लेकिन देखो pineal body is also a certain kind of a biological clock. क्यों? क्योंकि वो लाइट के अकॉर्डिंगली फंक्शन. अगर लाइट ज्यादा होगी तो उस समय में मेलाटोनिन को प्रोड्यूस नहीं करेगी. अगर लाइट कम मात्रा में होगी तो आपके पास उस समय मेलाटोनिन की मात्रा ज्यादा प्रोड्यूस होगी. तो ये चीज ध्यान दीजिएगा. अब क्या लिखा हुआ है, जो आपके पास लेवल ऑफ मेलाटोनिन है राइजेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डार्कनेस एंड फॉल्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लाइट. ध्यान दीजिएगा
मैं ये बार बार चीजें बताता रहता हूं कि किसी पर्सन को अगर कॉन्सेंट्रेट करना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एग्जैक्टली में आंखें खुली रखकर ही ये कहें कि आपकी कॉन्सेंट्रेशन बन जाएगी। इसीलिए आपके मदर फादर बचपन से ये कहते हैं कि आंख बंद कर कर जो आपने पढ़ा हुआ है उसको याद करने की कोशिश करिए। क्यों? क्योंकि जिस समय में आप आंख बंद करेंगे तो एग्जैक्टली में डार्कनेस होने वाली है और डार्कनेस के दौरान में मेलाटोनिन की प्रोडक्शन ज्यादा होने वाली है और जब उसकी प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो एंटी गोनेडोट्रॉफिक इफेक्ट आएगा। एंटी गोनेडोट्रॉफिक इफेक्ट का मतलब ये हुआ गोनेड हार्मोन उतने प्रोड्यूस नहीं होंगे, एक्साइटमेंट के फंडामेंटल ज्यादा नहीं होंगे, कामनेस होगी और कामनेस में आपकी जो पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा लेवल की होगी। तो ध्यान दीजिएगा ये चीज आपको पता होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये जो पीनियल बॉडी है या पीनियल ग्लैंड है, जैसे ही आपके पास में प्यूबर्टल स्पर्ट आपके पास शुरू होती है उस दौरान से ये पर्टिकुलर हार्मोन की मात्रा डिक्रीज होना शुरू हो जाती है और जैसे जैसे आप मिडल एज तक पहुंचते हैं ये पर्टिकुलर ग्लैंड अपना फंक्शन करना बंद कर देता है। अब देखो प्रॉब्लम हो गई, प्रॉब्लम ये हो गई कि जब तक आपको ये समझ आना शुरू हुआ कि एग्जैक्टली में पीनियल ग्लैंड आपकी कॉन्सेंट्रेशन के में काम करता है उस समय तक तो आपको ये पता लग गया कि एग्जैक्टली पीनियल ग्लैंड आपकी बॉडी में फंक्शनैलिटी नहीं कर रही है। देखो फंक्शनैलिटी नहीं कर रही है या रिड्यूस फंक्शनैलिटी कर रही है इसको आप अलग अलग पर्टिकुलरली पैरामीटर पर आंकते हैं। तो देखिए आपने बहुत कॉमनली देखा होगा जो मेडिटेशन लोग करते हैं, आप देखिएगा उन पर्टिकुलर मेडिटेशन करने वाले लोगों को इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा होती है। वो इंट्यूशन पावर क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि उनकी बॉडी की में कामनेस है और कामनेस के दौरान में सेल की फंक्शनैलिटी बढ़ जाती है और कामनेस तभी आएगी जब आपकी पीनियल ग्लैंड लगातार फंक्शन कर रही हो। इसीलिए एग्जैक्टली में इंट्यूशन की पावर पीनियल ग्लैंड से रिलेट करकर बढ़ी जाती है, ये पक्का से ध्यान रखने की कोशिश करिए। लेकिन कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद में जैसे ही आपके पास प्यूबर्टल स्पर्ट आपके पास आती है, दैट इज ऑलवेज 12 टू 14 ईयर के बीच में मेल और फीमेल में आती है, तो उस दौरान में होगा क्या कि पीनियल ग्लैंड के अंदर आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम फास्फेट के क्रिस्टल डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं जिनको हम ब्रेन स्टेम कहते हैं या ब्रेन सैंड कहते हैं या आपके पास में एसेरुलाई कहते हैं, जो एग्जैक्टली में उस पीनियल ग्लैंड के अंदर पड़े हुए पिनेलोसाइट की फंक्शनैलिटी को स्टॉप करवा देते हैं और वो हार्मोन प्रोड्यूस होगा ही नहीं। और अगर वो हार्मोन प्रोड्यूस ही नहीं होगा तो क्या पर्टिकुलर एंटी गोनेडोट्रॉफिक इफेक्ट आएगा? क्या फेयरनेस ऑफ स्किन होगी? क्या एग्जैक्टली में आप कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे? जी नहीं। ये पक्का से ध्यान रखने की कोशिश करिएगा। इसी पीनियल ग्लैंड को थर्ड आई ऑफ शिवा भी कहा जाता है। चलेंगे नेक्स्ट आती है आपके पास में थाइमस ग्लैंड। देखो जी बहुत अच्छी एक और ग्लैंड है, ये भी आपके पास ऐसी ग्लैंड है जो मिडल एज में डिसअपियर हो जाती है और इसकी फंक्शनैलिटी लॉस हो जाती है। अब देखो दो ग्लैंड ऐसे जो आपकी बॉडी में बहुत मेन रोल प्ले कर रहे हैं लेकिन जैसे ही एजिंग होना शुरू होती है ये ग्लैंड अपना फंक्शन करना बंद कर देते हैं। देखिए होगा क्या, ये जो थाइमस ग्लैंड है ये आपके पास में हर्ट के फ्रंट पर प्रेजेंट है। कहां पर है जी? हर्ट के फ्रंट पर एग्जैक्टली में ये प्रेजेंट होती है और ये एक तरह का लिम्फोइड ग्लैंड है। कैसा ग्लैंड है? लिम्फोइड ग्लैंड है और इस पर्टिकुलर लिम्फोइड ग्लैंड के थ्रू आपके पास पर्टिकुलरली बी लिम्फोसाइट एंटी लिम्फोसाइट की प्रोडक्शन होने की कैपेबिलिटी होती है। अब देखिएगा इसका मतलब ये हुआ कि ये पर्टिकुलर ग्लैंड आपकी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो पर्टिकुलरली आपके पास में थाइमस ग्लैंड है इस थाइमस ग्लैंड से आपके पास जो हार्मोन प्रोड्यूस होती है वो है एक थाइमोसिन या उसको थाइमिन कहते हैं, विच इज अ प्रोटीनियस हार्मोन है या पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। अब देखिएगा क्या होता है, ये जो थाइमोसिन या आपके पास थाइमिन हार्मोन होती है ये बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर टी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करवाने में हेल्प करती है। टी लिम्फोसाइट की एक्टिवेशन इज बेसिकली बीइंग डन बाय द थाइमोसिन। क्लियर हो गया जी? अब ये जो पर्टिकुलर आपके पास थाइमस ग्लैंड है इसके अंदर सेल पाए जाते हैं उसको हम हेसल कॉर्पस्कल्स कहते हैं। ध्यान दीजिए क्या कहा गया है, हेसल कॉर्पस्कल कहा गया या इनका दूसरा नाम होता है आपका थाइमिक कॉर्पस्कल और इओपीथियल सेल्स या रेटिकुलर सेल एंड दे एक्ट एज फैगोसिटिक सेल्स इन दीज पर्टिकुलर ग्लैंड। ध्यान दीजिएगा फैगोसिटिक सेल्स के बारे में कभी पूछा जाए कि थाइमस ग्लैंड में कौन से होते हैं तो वो है हेसल कॉर्पस्कल या रेटिकुलर सेल या थाइमिक कॉर्पस्कल, जो आपके पास पर्टिकुलरली उस ग्लैंड के अंदर आपके पास कोई भी फॉरेन बॉडी जब एंटीजन या आपके पास एंटर करेगा उसको डिस्ट्रॉय करने का काम, उसकी फैगोसाइटोसिस करने का काम एग्जैक्टली में वो करेंगे।
लेकिन जो एग्जैक्टली में आपके पास इस ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस होने वाला थायमिन या आपके पास थायमोसिन हार्मोन है वो एग्जैक्टली में टी सेल की एक्टिवेशन करवाएगा, और वो यही टी सेल ऐसे हैं जो एग्जैक्टली में बोन मैरो के अंदर प्रोड्यूस हुए बी लिम्फोसाइट की एक्टिवेशन करवाते हैं ताकि एंटीबॉडी की प्रोडक्शन हो सके, अदरवाइज ये नहीं होगा। तो इतनी चीज क्लियर हो गई जी यहां तक। चलेंगे अब जरा ध्यान दीजिए क्या लिखता है। अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द थ्योरीज ऑफ एजिंग द डिक्लाइन एंड डिसअपीयरेंस ऑफ थाइमस ग्लैंड बाय द मिडल एज इज द प्राइमरी कॉज ऑफ एजिंग। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे ये पूछे कि बताइए एजिंग का सबसे बड़ा फैक्टर जो आपको दिखाई पड़ता है वो कौन सा है, तो वो यही है कि थाइमस ग्लैंड आफ्टर द मिडल एज जो है वो डिसअपीयर होना शुरू हो जाती है, और जब ये डिसअपीयर होना शुरू हो जाएगी इसका मतलब ये हुआ कि टी लिम्फोसाइट की मैच्योरिटी नहीं होगी, टी लिम्फोसाइट की मैच्योरिटी नहीं होगी तो बी लिम्फोसाइट एग्जैक्टली में एंटीबॉडी की प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी आपको छोटे छोटे एंटीजन से भी खतरा होता जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि आपका इम्यून सिस्टम उतना अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा जितना वो पहले करता था, और प्रॉब्लम क्या आएगी कि एजिंग जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, और उस एजिंग को नलीफाई करने के लिए आपके पास में कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपके पास में नहीं होंगे, क्योंकि थाइमस ग्लैंड नहीं होगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। इसी के साथ में आपने एक चीज और भी पढ़ी होगी कि जब एचआईवी का इंफेक्शन होता है तो एचआईवी के इंफेक्शन या एड्स की बीमारी के दौरान में जो आपके पास टी हेल्पर सेल्स होते हैं उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, तो टी हेल्पर सेल की क्वांटिटी अगर डिक्रीज हो जाएगी तो अगर टी हेल्पर सेल ही नहीं होंगे तो बी लिम्फोसाइट की एक्टिवेशन नहीं होगी, बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट नहीं होंगे तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होगी। इसीलिए तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यही तो है कि एचआईवी आज तक कभी ट्रीट नहीं हो पाया। क्यों नहीं ट्रीट हो पाया? क्योंकि थाइमस ग्लैंड जो है आफ्टर दी आपके पास में मिडल एज जो है वो फंक्शन करना बंद कर रही है, टी लिम्फोसाइट आपके पास एग्जैक्टली में बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट नहीं करवा रहे हैं, आपके पास एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं हो रही है, एचआईवी मरेगा कैसे? नहीं मर पाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें आपके पास में एग्जैक्टली में एजिंग लेकर आती है, तो ये चीज आपने पक्का से ध्यान रखनी है। यही जो आपके पास थाइमोसिन नाम के हार्मोन होते हैं ये आपके पास में डेवलपमेंट कराते हैं सेक्स ग्लैंड की, बट आपके पास सेक्सुअल मैच्योरिटी को आपके पास इनहिबिट करवाते हैं यंगर एज में, ये भी चीज आपने ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखिएगा क्या लिखता है, सिक्रीशन ऑफ थाइमिन जो है decreases the neuromuscular transmission, so hyper secretion of thymine may cause myasthenia gravis। एक चीज पे पक्का से ध्यान दीजिएगा, myasthenia gravis में आपके पास होता क्या है, जो आपके पास neuromuscular junction होती है वो block हो जाती है, और neuromuscular junction इसलिए block हो जाती है क्योंकि आपके पास hyper secretion जो है वो thymine नाम के hormone की हो रही होती है जो आपके पास में thymus gland के द्वारा produce होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास में थायमिन की सिक्रीशन जो वो कम हो रही होगी तो न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन कम रेट पर होती है। ध्यान दीजिए फिर से, अगर थायमिन नाम के हार्मोन की सिक्रीशन हो रही होगी तो न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन जो वो डिक्रीज होगी, लेकिन अगर थायमिन हार्मोन की मात्रा जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस होगी तो डिजीज प्रोड्यूस हो जाएगी मिस्थेनिया ग्रेविस, और मिस्थेनिया ग्रेविस में सबसे कॉमन थिंग क्या होती है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकेज होना शुरू हो जाएगी, और जब भी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकेज होगी तो मसल पैरालिटिक हो जाएगी, मोटर एक्शन जो होंगे आपके पास किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन के वो एग्जैक्टली में लॉस हो जाएंगे, ये आपने पक्का से ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद जिस और एक पर्टिकुलर ग्लैंड से आपको या ऑर्गन से क्वेश्चन पूछा जाता है हार्मोन में, क्योंकि क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं मैं वही चीज डील कर रहा हूं जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, चलिएगा वो अगला ग्लैंड है आपके पास पैनक्रियास। देखो पैनक्रियास एक तरह का हिट्रोग्रीन ग्लैंड है, हिट्रोग्रीन ग्लैंड का मतलब हुआ ये एक्सोक्रीन बिहेवियर भी शो कर सकता है, एंडोक्रीन बिहेवियर, दोनों तरह का बिहेवियर होता है। एक्सोक्रीन का मतलब ये हुआ कि आपके पास पैनक्रियास के कुछ सर्टेन सेल्स हैं जिनके अंदर डक्ट है, उनको कहते हैं एसिनाई सेल्स होते हैं, और दूसरे आते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैन जिनके पास में डक्ट नहीं होते हैं। तो यहां पर इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम पैनक्रियास की वो वाला आपके पास सेल पढ़ रहे हैं जिसमें डक्ट नहीं होती है, वो है आइलेट ऑफ लैंगरहैन। अब ध्यान दीजिएगा, पैनक्रियास में बहुत तरह के सेल पाए जाते हैं, एक तरह के सेल नहीं है,
बहुत तरह के सेल पाए जाते हैं जिसमें अल्फा बीटा गामा डेल्टा पीपी सेल सब तरह के सेल आते हैं, लेकिन मेन सेल जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए जिनसे क्वेश्चन पूछी जाती है वो है पहला सेल आपके पास दैट इज अल्फा एंड बीटा सेल। तो देखिएगा पहले पढ़ रहे हैं बीटा सेल, तो बीटा सेल जो हार्मोन एग्जैक्टली में रिलीज करते हैं वो है इंसुलिन। अब देखिएगा फंक्शनैलिटी पे ध्यान दीजिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार लोग गलत करते हैं। देखिए क्या लिखता है, पहली फंक्शन डिक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज बाय इंक्रीजिंग, ध्यान दीजिए बाय इंक्रीजिंग ग्लूकोज अपटेक प्राइमरली इन स्केलेटल मसल एंड एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू और स्केलेटल मसल में ग्लूकोज जो है क्या वो एंटर करेगी या नहीं करेगी ब्लड के थ्रू, वो इंसुलिन डिक्टेट करती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास सेलुलर रेस्पिरेशन होती है उस सेलुलर रेस्पिरेशन करवाने के लिए सेल के इनसाइड में ग्लूकोज की जो एंट्री करवाता है वो इंसुलिन है। ये ध्यान दीजिएगा पक्का से, इसका मतलब जब भी इंसुलिन सेल के अंदर एंटर कर जाएगी ब्लड के थ्रू तो आपके पर्टिकुलर ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कमी करवाने का काम इंसुलिन करेगा, ये याद रखना है। क्लियर है जी? दूसरी फंडामेंटल क्या ध्यान रखनी है, आपके पास में जो इंसुलिन है उसके एनाबॉलिक इफेक्ट मीन बैक आपके पास कंस्ट्रक्टिव जो इफेक्ट होते हैं वो क्या है, इसी तरह ध्यान दीजिए इंक्रीज क्या कर रहा है, लाइपोजेनेसिस। लाइपोजेनेसिस का मतलब हुआ लिपिड की मात्रा को इंक्रीज करवाने में हेल्प करता है। सेकंड आपके पास सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन करवाने में हेल्प कर रहा है और थर्ड आपके पास सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करवाने में हेल्प कर। अब इसको कैसे समझेंगे जरा ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपके पास इस ब्लड में जरूरत से ज्यादा आपके पास एग्जैक्टली में आज की डेट में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हो गए हैं, सेल के इनसाइड में जितने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जाने चाहिए थे वो आज की डेट में जा चुके हैं। अब इंसुलिन का काम है कि ब्लड ग्लूकोज को कम करिए, कैसे करेगा जी, दूसरा थिंग वो ये है कि इस ग्लूकोज को एग्जैक्टली में वो लीवर तक ट्रेवल कर लेकर जाएगा और इस ग्लूकोज को आपके पास एक्युमुलेट करवाकर लीवर के अंदर इन दी फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर कर देगा। तो ग्लाइकोजेनेसिस हुई, ग्लाइकोजेनेसिस इंसुलिन का इफेक्ट क्या हुआ, ग्लाइकोजेनेसिस ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करवा रहा है आपके पास में इंसुलिन। जब आपके पास में ब्लड के अंदर जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज हो जाती है वो सारा का सारा ग्लूकोज जो है वो लीवर या स्केलेटल मसल के अंदर भी स्टोर हो सकता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में लीवर के अंदर ही स्टोर होता है और जब वो ग्लूकोज एज एन फॉर्म स्टोरेज में पाई जाती है उसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं। इसका मतलब ग्लाइकोजेनेसिस जो है वो इंसुलिन का एक एक्शन हुआ अलोंग विद लाइपोजेनेसिस एंड प्रोटीन सिंथेसिस, इसीलिए इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है, कैटाबॉलिक हार्मोन नहीं है। इसके अलावा देखिएगा क्या काम है जी, प्रमोट करना आपके पास स्टोरेज ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स इन मसल फैट एंड लिवर टिश्यू। देखिएगा मैक्रोमोलिक्यूल की अकमुलेशन करवाने का काम मसल एंड लीवर टिश्यूज के अंदर भी आपके पास इंसुलिन कर देती है। मैंने अभी अभी ये चीज कही कि पेनक्रियास के द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाले आपके पास इंसुलिन जो बीटा सेल से प्रोड्यूस होती है वो आपके पास एनाबॉलिक इफेक्ट देती है, इसका मतलब वो कैटाबॉलिक इफेक्ट कभी नहीं देगी। अब एक और चीज समझिए, क्या समझिए, मान लीजिए अगर इंसुलिन आज की डेट में कम मात्रा में प्रोड्यूस हो रही हो बीटा सेल के द्वारा तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, तो प्रॉब्लम ये होगी कि आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब बॉडी जो है वो ये कोशिश नहीं कर पाएगी कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज ब्लड के अंदर पड़ा हुआ है उससे ग्लाइकोजन बने और बॉडी उस ग्लूकोज को इन दी ये यूरिन जो है उसको एक्सक्रीट आउट करना शुरू कर देगी। अदरवाइज ऐसा नहीं होता है, हमने ये पढ़ा था कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड जो टिब्यूल्स होती हैं वहां से ऑलमोस्ट 100% आपके पास ग्लूकोज की रीअब्सॉर्प्शन हो जाती है, लेकिन क्योंकि ब्लड में पहले से ही बहुत ज्यादा ग्लूकोज है इसीलिए पीसीटी जो है वो ग्लूकोज की रीअब्सॉर्प्शन नहीं करेगी। इवन कि आपके पास उल्टा उस पर्टिकुलर आपके पास ग्लूकोज को नेफ्रिक फिल्ट्रेट के अंदर ले जाती हुई आपके पास में उसको यूरिन में सिक्रीट करना शुरू कर दे, इसका मतलब यूरिन के अंदर ग्लूकोज की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया या दूसरा वर्ड यूज करते हैं
ग्लूकोस यूरिया। हाइपरग्लाइसीमिया इज द स्पेसिफिक वर्ड हम यूज करेंगे जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, और अगर यूरिन में आपके पास ग्लूकोज की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी तो हम ग्लूकोस यूरिया वर्ड यूज करेंगे। अब यहां पर एक चीज पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान ये दीजिएगा क्योंकि ग्लूकोज का लॉस हो रहा है आपकी बॉडी के अंदर, इससे ये होगा कि अब ग्लूकोज तो बॉडी को चाहिए काम करने के लिए, सेल को चाहिए काम करने के लिए, ग्लूकोज आपकी बॉडी में अवेलेबल नहीं है क्योंकि यूरिन में लगातार सिक्रीट हो रहा है। इसका मतलब आपको भूख लगना शुरू हो जाएगी जरूरत से ज्यादा, होगा ना, बहुत कॉमन थिंग। अगर भूख लगना ज्यादा स्टार्ट हो गई है तो इसका मतलब ये हुआ, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं दैट इज पॉलीफेजिया। क्या होना शुरू हो गया? पॉलीफेजिया, भूख बहुत ज्यादा लगना शुरू हो गई है। अब आपका ग्लूकोज लगातार यूरिन के अंदर लॉस होगा, इसका मतलब बार बार यूरिनेशन जाना पड़ेगा आपको क्योंकि ग्लूकोज ब्लड के अंदर ज्यादा है, तो इसका मतलब आपको यूरिनेशन फ्रीक्वेंटली जाना पड़ता है, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं पॉलीयूरिया। तो देखो दो तीन कंडीशन आई, एक कंडीशन आई पॉलीयूरिया, तीसरी आई आपके पास पॉलीफेजिया। अब देखो क्योंकि पानी का लगातार लॉस हो रहा है ना, इसका मतलब पानी आपको लगातार पीना भी पड़ेगा उतनी ही क्वांटिटी के अंदर क्योंकि लॉस हो गया है बहुत ज्यादा। तो थर्ड कंडीशन आती है पॉलीडिप्सिया। ध्यान दीजिए फिर से मैंने क्या क्या वर्ड कहे, तीन चीजें आपके पास में जिस दौरान में इंसुलिन की प्रोडक्शन बीटा सेल से ज्यादा नहीं होगी तो आपके पास तीन चीजें होंगी, एक पॉलीफेजिया, सेकेंड आपके यहाँ पॉलीयूरिया, थर्ड आपके यहाँ पॉलीडिप्सिया। पॉलीफेजिया का मतलब बार बार भूख लगेगी, पॉलीडिप्सिया आपको बार बार प्यास लगेगी, और पॉलीयूरिया बार बार यूरिनेशन जाना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा ये चीजें होने वाली हैं, और ये कंडीशन आपके पास तब आती है जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, और डिजीज इंटीग्रेट कर जब पढ़ते हैं तो उसको लिखा जाता है डायबिटीज मलाइटिस। नाम क्या लिखा गया? डायबिटीज मलाइटिस। अब ध्यान दीजिएगा डायबिटीज मेलाइटिस दो तरह की होती है, एक आपके टाइप वन एक टाइप टू, जिसको हम बेसिकली आपके इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं, और एक को नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं। इस चीज को हम लेटर ऑन कभी डील करेंगे क्योंकि अभी क्रैश कोर्स में इस साइड पार्ट को डील करना पॉसिबल नहीं है, जब कॉन्सेप्ट वाइज कभी पढ़ेंगे वापिस से तो हम उस चीज को पढ़ने की कोशिश करेंगे। इतनी चीज पता लग गई, चलेगा। नेक्स्ट आपके पास आते हैं दूसरे सेल जिनका नाम अल्फा सेल है। अल्फा सेल बेसिकली आपके पास ग्लूकेगॉन की सिक्रीशन करते हैं, ग्लूकेगॉन एक हार्मोन है। अब देखिए इसका काम क्या है, इट इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज। इंसुलिन क्या करवा रहा था? ब्लड ग्लूकोज की मात्रा को डिक्रीज करवा रहा था, ये उल्टा क्या करवा रहा है आपके पास ग्लूकेगॉन? ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज करवा रहा है। कैसे? जो ग्लाइकोजन आपके पास स्टोरेज फॉर्म में पड़ी हुई है आपके लीवर और स्केलेटल मसल में, उसकी ब्रेकडाउन करवाएगा, तो क्या चीज लिखी जाती है? ग्लाइकोजिनोलिसिस। लिसिस का मतलब ब्रेक डाउन करना, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करने की प्रोसेस हो गई ग्लाइकोजिनोलिसिस, एक चीज ये हो गई। अब मान लीजिए कभी समय ऐसा आ जाए कि आपके पास में ग्लाइकोजन उतनी क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है जितनी क्वांटिटी में आपको ग्लूकोज चाहिए, तो उस दौरान में अमाइनो एसिड से आपके पास में ग्लूकोज की सिंथेसिस करवाते हैं, जिसके लिए प्रोसेस पढ़ते हैं हम, दैट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियो का मतलब हुआ नई प्रकार का ग्लूकोज हमें बनाना पड़ेगा, नियो ये वर्ड हुआ, ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ ग्लूकेगॉन जो है वो कैटाबॉलिक एक्टिविटीज को इंक्रीज करता है बजाय एनाबॉलिक एक्टिविटीज के, ये पक्का से आपने ध्यान रखना है। इसका मतलब ये हुआ, अब जरा ध्यान दीजिएगा, इंसुलिन की अगर कमी हो जाए और ग्लूकोज की मात्रा अगर ज्यादा हो जाए तो दोनों कंडीशन के अंदर ग्लूकोज यूरिया होगी। फिर से समझ ले, इंसुलिन की कम सिक्रीशन होगी तो ब्लड ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगा, तो ब्लड ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगा तो हम वर्ड यूज कर रहे थे हाइपरग्लाइसीमिया। अगर ग्लूकोगॉन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो भी ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगा, तो भी वर्ड यूज करेंगे हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है जी। इसका मतलब हाइपर सिक्रीशन ऑफ द इंसुलिन, सॉरी हाइपो सिक्रीशन ऑफ द इंसुलिन एंड हाइपर सिक्रीशन ऑफ द ग्लूकेगॉन प्रोड्यूसेस अ डिजीज दैट इज पर्टिकुलर डायबिटीज मेलिटस। लेकिन हम स्पेसिफिकली क्या पढ़ते हैं कि डायबिटिक मेलाइटिस जो होती है वो आपके पास बीटा सेल की फंक्शनैलिटी का लॉस होने की वजह से या बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन होने की वजह से, जब इंसुलिन आपको उतनी क्वांटिटी में नहीं मिलती है तो डायबिटीज मेलाइटिस होती है। ये ध्यान दीजिएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चलेगा। उसके बाद में आपके पास में हाइपोथैलेमस से जो आपके पास रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन आते हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमने कहा था इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, न्यूरो हार्मोन जो होते हैं वो है हाइपोथैलेमस के द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाले हार्मोन। एक रिलीजिंग हार्मोन होते हैं और दूसरे आपके पास में इनहिबिटिंग हार्मोन होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, रिलीजिंग हार्मोन कौन कौन से हैं? तो पहला है आपके पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। रिलीजिंग फैक्टर आप बेसिकली आपके पास रिलीजिंग हार्मोन ही पड़े, ठीक है जी। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन,
इसका मतलब ये हुआ कि एग्जैक्टली में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होगी वो एग्जैक्टली में आपके पास एडीनो हाइपोफाइसिस से प्रोड्यूस होने वाली जो आपके पास एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन होती है उसकी सिक्रीशन को इंक्रीज करवाने में हेल्प करती है। दूसरी आपके पास में जो पर्टिकुलरली थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायरोक्सिन की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आपके पास में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन की जरूरत पड़ती है। सेकंड आती है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, फिर से आपके पास किसकी सिक्रीशन को इंक्रीज करवाएगा, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन की। थर्ड आती है आपके पास सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, तो सोमैटोट्रॉफिक वर्ड जो यूज करते हैं हम ग्रोथ हार्मोन के लिए वर्ड यूज करते हैं, तो आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से जो ग्रोथ हार्मोन होती है उसकी सिक्रीशन अगर ज्यादा करवानी है तो उस दौरान में सोमैटोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन आपके पास में रिलीज होगी हाइपोथैलेमस से, ये भी पक्का से याद रखनी है। उसके सोमैटोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन के बिल्कुल अपोजिट हार्मोन होती है आपके पास सोमैटोट्रॉफिन इनहिबिटिंग हार्मोन, जिसको हम सोमैटोस्टैटिंस कहते हैं या ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन कहते हैं, जो आपके पास ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को कम करती है, ये भी चीज ध्यान होनी चाहिए। तो फोर्थ ये फिफ्थ नंबर पर आते हैं आपके पास गोनेडोट्रॉफिन आपके पास में हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जो आपके पास डिवाइड किए हैं तीन पार्ट के अंदर, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, थर्ड इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो FSH की सिक्रीशन को बढ़ाने में हेल्प करता है जो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आपके पास में रिलीजिंग हार्मोन जो है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की क्वांटिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है जो अगेन एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होती है। इंटरस्टीशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपके पास में लेडिक सेल्स होते हैं आपके पास सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर, उनकी एक्टिवेशन करवाने में हेल्प करता है ताकि टेस्टोस्टेरोन की क्वांटिटी ज्यादा प्रोड्यूस हो सके। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एग्जैक्टली में ग्रेफियन फॉलिकल को बनाने में हेल्प करेगा, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और फिर आते हैं आपके पास ग्रेफियन फॉलिकल, मीन बाय मैच्योरिटी ऑफ फॉलिकल करवाने में हेल्प करता है। और उस फॉलिकल के अंदर जो आपके पास सेकेंडरी ओसाइट होते हैं उसको बाहर निकालने के लिए उस ग्रेफियन फॉलिकल की जो रप्चर करता है वो आपके पास में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, एंड दिस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज रिक्वायर्ड बेसिकली फॉर द एक्शनिंग ऑफ द गोनेड आपके पास गोनेडल ऑर्गन्स। ध्यान दीजिएगा, ये पक्का से आपको ध्यान होना चाहिए, स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस की प्रोसेस को आपके पास कंप्लीट करवाने के लिए FSH और LH दोनों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है प्रोलैक्टिन आपके पास रिलीजिंग हार्मोन और एक आता है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन जो है वो आपके पास में मिल्क सिक्रीटिंग हार्मोन होती है दैट इज अगेन बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी। उस प्रोलैक्टिन की मात्रा जो है उसको बढ़ाने के लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज होती है। लेकिन प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन एग्जैक्टली में कोई वर्ड नहीं है जो यहां पर लिखा हुआ है, मैंने बहुत सारी बुक में ये मिस्टेक देखी है। प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर होती है दैट इज स्पेसिफिकली बीइंग टर्म्ड एज द डोपामीन, और डोपामीन एग्जैक्टली में प्रोलैक्टिन हार्मोन की कमी करवाने में हेल्प करता है, ये पक्का से आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा आपके पास में मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आती है या आपके पास इनहिबिटिंग फैक्टर आता है, तो ये भी पक्का से आपने ध्यान रखना है। देखो अब एक चीज क्या ध्यान रखनी है, यहां से यह चीज पता लगती है कि आपके पास हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, लेकिन कौन सी पिट्यूटरी के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि एंटीरियर पिट्यूटरी एज सच में सभी के सभी हार्मोन तो बना सकती है लेकिन उनको रिलीज नहीं कर सकती है, तो रिलीज करवाने के लिए उन हार्मोन को उसको मदद लेने पड़ती है हाइपोथैलेमस की। लेकिन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है वो हार्मोन बना ही नहीं सकती है, तो उसके जो हार्मोन होते हैं एक आपके पास एंटीडाइ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको हम वेसोप्रेसिन कहते हैं और दूसरा ऑक्सीटोसिन, वो दोनों के दोनों हार्मोन हाइपोथैलेमस ही बना कर देता है, ये भी चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। एक और चीज जो आपको ध्यान में रहनी चाहिए वो ये भी है कि वेसोप्रेसिन का रोल आपके पास हमने पहले ही पढ़ा था एंटी डायुरेटिक हार्मोन का, जिसका था रीएब्जॉर्प्शन करवाना पानी की डीसीटी से, तो डीसीटी से आपके पास रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है आपके एंटी डायुरेटिक हार्मोन कराती है, और जो आपके पास सेकंड हार्मोन जो एल्डोस्टेरोन होता है जो आपके पास में एड्रीनल ग्लैंड की जो कॉर्टिकल लेयर होती है उसमें आपके पास जोना ग्लोमेरुलोसा एग्जैक्टली में लेयर है जहां से वो पर्टिकुलर मिनरलोकॉर्टिकॉइड सिक्रीट होता है जिसको एल्डोस्टेरोन कहते हैं, जो एग्जैक्टली में सोडियम की आपके पास रीअब्सॉर्प्शन उसी डीसीटी से करवाने में हेल्प करता है, तभी जाकर हाइपरटोनिक यूरिन बनती है, ये पक्का से ध्यान रखना है। एक हार्मोन आपके पास जो एग्जैक्टली में
पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आपके पास स्टोर्ड फॉर्म में पाया जा रहा है उसको हम बेसिकली ऑक्सीटोसिन कहते हैं, और वो ऑक्सीटोसिन स्मूथ मसल की कॉन्ट्रेक्शन करवाने में हेल्प करता है, यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन करवाने में हेल्प करता है, मेमोरी कॉन्ट्रेक्शन करवाने में हेल्प करता है। तो मिल्क की फॉर्मेशन तो प्रोलैक्टिन करा लेता है, लेकिन मिल्क को सिक्रीट करवाना आपके पास में मेमोरी ग्लैंड से, ये फंक्शन आपके पास किसका है, वो आपके पास ऑक्सीटोसिन का है। पार्चुरेशन, बच्चे का जन्म होना, तो उस दौरान में आपके पास में प्यूबिक सिंफाइसिस को डायलेट करना, उस डायलेशन का काम आपके पास ऑक्सीटोसिन करती है, तो प्रोपल्शन होती है, तभी जाकर आपके पास एग्जैक्टली में वो बच्चा जो है थ्रू दी वजाइना जो है वो आपके पास बाहर आएगा, अदरवाइज वो नहीं आ पाएगा। तो ऑक्सीटोसिन बेसिकली स्मूथ यूट्राइन मसल्स की आपके पास कॉन्ट्रेक्शन करवाने में हेल्प करता है, मेमोरी ग्लैंड की कॉन्ट्रेक्शन करवाने में हेल्प करता है। तो ये चीज पक्का से याद रखिएगा कि ऑक्सीटोसिन इज अ मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन है, और मिल्क आपके पास सिक्रीटिंग या मिल्क फॉर्मिंग हार्मोन आपके पास में प्रोलैक्टिन है।